नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष। मैं आज आपको SRA में पात्र अपत्र करने का तरीका बता रहा हूँ और उसका स्टेप बाय स्टेप कैसा चैलेंज करने का उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज आपके एरिया में SRA हो रहा है और आपको सक्षम प्राधिकारी, सपोज डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इन्होंने आपको अनेक्चर सेकंड में अपात्र किया। अनेक्चर सेकंड में अपात्र करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, किस अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आपको अनेक्चर सेकंड में सक्षम प्राधिकारी अथॉरिटी ने अपात्र किया तो आपको फर्स्ट अपीलीय अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। फर्स्ट अथॉरिटी अपील ये होता है एडिशनल कलेक्टर। एडिशनल कलेक्टर का ऑफिस ईस्टर्न वेस्टर्न सिटी मुंबई में होती है, तो आपका जो एरिया रहेगा, आपका डिप्टी कलेक्टर जिस एरिया में, वेस्टर्न में, ईस्टर्न में या सिटी में, उसका फर्स्ट अपीलीय अथॉरिटी कहाँ पे बैठता है उसका एड्रेस देखो। अभी समझो ईस्टर्न सबब है, पूर्व उपनगर है, तो उसका फर्स्ट अपीलीय अथॉरिटी चर्चगेट में बैठते हैं। चर्चगेट स्टेशन के सामने उसका बिल्डिंग है, तो वहाँ पे वो लोग बैठते हैं। वहाँ पे जाके उसके पास फॉर्मेट रहता है, उसी के फॉर्मेट में अप्लाई करने का, जो जो पेपर आपको झोपड़ी के बारे में है वो सब सबमिट करने का, और जिस अथॉरिटी ने आपको अपात्र किया है, नॉट एलिजिबल किया है, उसका अनेक्चर सेकंड का कॉपी उस एप्लीकेशन के साथ सबमिट करने का। अपील एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको हेयरिंग में लेटर आता है, हेयरिंग में आपको बुलाता है, और हेयरिंग में आप आपके वकील के साथ आप खुद जा सकते हो हेयरिंग के लिए, या तो एक्सपर्ट कोई रहेगा SRA के बारे में उसको लेके जा सकते हैं। तो आपको फर्स्ट अथॉरिटी ऑफिसर है वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आप आंसर दे सकते हो, आपको आंसर देने का पूरा चांस मिलता है। आपका जो डॉक्यूमेंट है पूरा, वो पूरा उनके सामने आप रख के उसके बारे में आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। सब डॉक्यूमेंट देने के बाद भी आपको अपात्र किया, फर्स्ट अपीलीय अथॉरिटी ने आपको अपात्र किया, तो उसके बाद क्या करने का? उसके बाद भी रास्ता है दोस्तों, उसके बाद आप सेकंड अपील में जा सकते हो, और सेकंड अपील जहाँ पे उनका एड्रेस रहेगा वहाँ पे सेकंड अपील आप कर सकते हो। उसको हाई पावर कमेटी बोलते हैं, उसको हाई पावर कमेटी नाम रहता है। हाई पावर कमेटी ईस्टर्न का, वेस्टर्न का, सिटी का, ये एक ही हाई पावर कमेटी है मुंबई में। तो हाई पावर कमेटी में अप्लीकेशन करने का, उधर भी एक फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट में अप्लाई करने का, सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, जो अथॉरिटी ने आपको अपत्र किया है, जिस फर्स्ट आप लिए अथॉरिटी ने आपको फिर से अपत्र किया है, दोनों का ऑर्डर कॉपी उसके साथ लगाने का। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद वही ऑफिस से आपको एक लेटर आता है हेयरिंग के लिए, उधर भी आप आपका वकील या आप खुद जा सकते हो, उधर भी आपका जो डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, 1-1-2000 पहले का मेरे पास डॉक्यूमेंट है, अभी का मेरे पास डॉक्यूमेंट है, सब आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप आर्गुमेंट कर सकते हो, आप वकील के साथ आर्गुमेंट कर सकते हो, आप खुद आर्गुमेंट कर सकते हो।
फिर भी उधर भी आपको अपत्र किया, सेकेंड अपील में भी आपको अपत्र किया, उसके बाद आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट में सब तीनों अथॉरिटी के अपत्र के लेटर, ऑर्डर कॉपी, आपके रूम के सब पेपर, सब हाई कोर्ट में आप वकील करके आपका आप क्लेम कर सकते हो। हाई कोर्ट में आपको वकील करना पड़ेगा और आप आगे आपका फाइट कर सकते हो। ओके, आपको समझ में आया? तो कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर पूछिए, और मेरा ये जो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आगे का वीडियो आपको मिले और कुछ आगे आगे अच्छा नया वीडियो मैं बना सकूँ। ओके, बाय, धन्यवाद।